एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं शिखर सम्मेलन और बदलते भारत की बदलती तस्वीर को और ज्यादा समझने के लिए अब हमारे साथ पंजाब की सियासत से एक बेहद खास मेहमान हैं। इन्होंने पंजाब में स्वर्ण मंदिर को वैटिकन सिटी बनाने का बेड़ा उठाया और करके भी दिखा दिया, लेकिन आम जनता ये सवाल पूछ रही है, खासतौर पर पंजाब की, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आम लोगों के लिए पंजाब को भी इतना खूबसूरत बना पाए हैं, क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव है और चुनौती कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से भी है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं और नशा मुक्त पंजाब, जिस पर इस बार पंजाब का चुनाव लड़ा जाना है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुखबीर सिंह बादल जी, और उनके साथ इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान। नेहा, बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर एबीपी न्यूज की तरफ से आपका, सुखबीर सिंह बादल जी, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बादल जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आप चूंकि आप, मैं चाहता था कि आप दो मिनट का संबोधन दें, लेकिन आपकी इच्छा है कि सीधे सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू किया जाए, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है जो आजकल देश भर में सवाल चल रहा है, नोटबंदी। आप किस तरीके से देखते हैं इस नोटबंदी को? जाहिर सी बात है कि आप प्रशंसा करेंगे, लेकिन पंजाब में लोग परेशान भी हैं, पूरे देश में लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी आम जनता के नजरिए से? सी, ये बड़ा अच्छा कदम है, पर जैसे लोगों ने सोचा था, विरोधियों ने, कितना बड़ा रिएक्शन होगा, लोग लाइनों में खड़े हैं पर रिएक्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उनको मालूम है कि थोड़ी सी तकलीफ है पर इसके एंड रिजल्ट्स अच्छे हैं। आपने दवाई लेते हो, कड़वी होती है, पर आपको मालूम है कि आप ठीक हो जाओगे। सो ये आप जहाँ भी हमने देखा है, मैंने पूछा भी है, तकलीफ आ रही है, बिकॉज कैश खत्म हो रही है तो तकलीफ होगी जी। पर उनके पास एक उम्मीद है कि जल्दी वो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उससे बेहतर चीज़ हमें उनको मिलेगी। जाहिर सी बात है कि एक बेहतर कल के लिए, बदलते भारत के लिए कुछ बदलाव जरूरी हैं, और आप इसे इस बदलाव के तौर पर एक अहम कदम मान रहे हैं। पंजाब पे आता हूं, पंजाब की पॉलिटिक्स पे आता हूं। इस वक्त पंजाब में तीन पॉलिटिकल इश्यूज आप कह सकते हैं बहुत अहम हैं, क्योंकि मोदी साहब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो सवाल भी मैंने मोबाइल में लिखे हुए हैं। नशा, राहुल, केजरीवाल, आप देखिए फिल्में तक बन रही हैं उन सब्जेक्ट्स पर, और तमाम सारी चीजें विरोधी पार्टियां पब्लिशाइज कर रही हैं कि हम आएंगे तो जी नशा खत्म कर देंगे। क्या इतना नशे में है पंजाब? आपके लिए कितनी अहमियत रखती हैं ये सब मुद्दे और ये बातें? ये सारा मीडिया का क्रिएशन है। मीडिया को तो दोष मत दीजिए सर, कम से नहीं, कम मैं बता रहा हूं। अब अगर केजरीवाल जी कोई बयान दे रहे हैं तो उसको दिखाना मीडिया का दोष नहीं है। मैं वही बता रहा हूं, जबकि आपके पास आऊंगा आप कन्विंस हो गए कि ये मीडिया का क्रिएशन है। नशा देश में कहां से आता है? दो जगह से आता है, या बर्मा से, नॉर्थ ईस्ट से, या पाकिस्तान अफगानिस्तान से जी। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर किस कौन सी स्टेट का है? पंजाब का है, जम्मू कश्मीर का है, राजस्थान का और गुजरात का है। गुजरात और राजस्थान में जो बॉर्डर है, 4 माइल्स, वहाँ कुछ नहीं है, बैरन लैंड है, सैंड है। सो वहाँ से नशा आ नहीं सकता, एक दूर से आदमी पकड़ा जा सकता है। और जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ आर्मी की, वहाँ इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट है सर, एक ही सेक्शन रह गया पंजाब का बॉर्डर जी। और पंजाब के बॉर्डर की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जब अगर वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी वो कामयाब नहीं होते तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पंजाब पुलिस है। जो पंजाब पुलिस ये नशा पकड़ती है, आता पाकिस्तान से है, ये जो नशा है पंजाब के लिए नहीं आता, ये नशा देश के लिए आता है। ये नशा गोवा जाना था, महाराष्ट्र जाना था, दिल्ली जाना था, कैलकटा जाना था, पूरे देश में जाना था, क्योंकि वो वहाँ से आता है। बीएसएफ इनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही, वो पकड़ नहीं रही। सो हम पकड़ते हैं, जो हम पकड़ते हैं टीवी में आता है या मीडिया में, अखबार में आता है, इतने केजी नशा पकड़ा गया। सो अखबार वाले और मीडिया ने इतना हर रोज बता दिखाया कि लोग समझने लगे कि ये नशा पंजाब के लिए है। अच्छा। अगर हम ना पकड़ते तो ये निकल जाना था,
और ये पूरे देश में चले जाना था। और हुआ क्या कि राहुल गांधी पंजाब में आए, उन्होंने एक बयान दे दिया 70% यूथ पंजाब का नशे में है, और मीडिया ने बगैर सोचे समझे इसको इतना लैपअप किया, जहां भी जाते हैं पंजाब का यूथ 70% नशे में है। असली क्या बात थी, एक सर्वे हुआ था वहां, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने किया था सर्वे, किया था जो नशे लेते हैं उनकी एज प्रोफाइल का सर्वे था, जो जो 1500 सैंपल लिए गए वो डी एडिक्शन सेंटर में गए, उनके जो नशे लेते हैं उनकी एज प्रोफाइल देखी, और ये ऑब्वियस क्वेश्चन होगा 70% जो एज प्रोफाइल होगी नशे लेते ही वो यूथ होगा। ये तो सर्वे था जो राहुल गांधी के सामने वो कागज रख दिया बगैर पढ़े, क्योंकि राहुल गांधी को ज्यादा डेप्थ में जाते नहीं है जी। जो कागज में लिखा दिया उन्हें पढ़ दिया और मीडिया ने दिखाने लग गया, और जैसे ये दिखाने लग गया बार 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 करते लगे, मजबूर ऐसा हुआ आज कि आज पूरे दुनिया में पंजाब के नौजवानों को निशेड़ी करार कर दिया है। अगर पंजाब का 70% यूथ निशेड़ी है, पूरे देश को अन्न कैसे पैदा करता? वो हाउजरी इंडस्ट्री में नंबर वन हम हैं इंडिया में जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम नंबर वन है, ट्रैक्टर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में हम नंबर वन है, स्पोर्ट्स गुड में नंबर वन है, हैंड टूल्स में हम नंबर वन है, मशरूम्स में है, मिल्क में है, हर चीज में तो नंबर वन है। अगर 70% यूथ नशे करता है, ये इतना बदनाम हो गया पंजाब कर दिया कि हम मजबूरन थोड़े वो 3-4 महीने की बात है, हमारी पुलिस की रिक्रूटमेंट चल रही थी, हमने पुलिस की रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन मांगी, तकरीबन 4 लाख नौजवानों ने अप्लाई किया, 4 लाख नौजवानों ने। सो जो एप्लीकेशन हमारे पास आई तो मैंने सीएम साहब से बात किया, मैं कहा जी मैं चाहता हूं कि सबका ड्रग टेस्ट किया जाए, ठीक है, मालूम तो चले ये 70% है, 60% है, 50% है, यार 1% है, बिकॉज इतना प्रचार कर दिया। असली एक्चुअल लोगों को हमारे एक्चुअल सैंपल 4 लाख से बड़ा तो हो नहीं सकता जी। सो हमने फैसला किया कि हम सब 4 लाख लोगों का ड्रग टेस्ट कराएंगे, और हमने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को डिप्यूट किया, हमने अमेरिका से ड्रग किट्स मंगाए, यूएस अप्रूव्ड उनकी जो ड्रग एंट्रेंस कराए, हमने उसके बाद सब मीडिया को हमने चिट्ठी लिखी, आपके चैनल को भी, एनडीटीवी को, इस सारे अखबारों को, कि हम इस दिन तक 2 महीने ये ड्रग टेस्ट चलेगा जी। ये 4 लाख नौजवानों का है, अपने रिप्रेजेंटेटिव रोज भेजें, उनके सामने हम करना चाहते हैं सैंपल टेस्ट, आप सो दैट बाद में ऐसा ना करें कि ये सैंपल गलत है। हर रोज वहां मीडिया जाती थी, उनके सामने टेस्ट होते थे, पूरे 4 लाख 2 महीने लगे, 4 लाख पंजाब के यूथ का फिजिकल ड्रग टेस्ट हुआ, और जो एंड रिजल्ट निकला जो अखबारों में भी आपके में दिया है, ओनली 1.26% 4 लाख में से 5,000 लोगों का पॉजिटिव निकला, 5,000 आउट ऑफ 4 लाख, विच इज लेस देन हाफ द नेशनल, हर स्टेट की एवरेज। उसके बाद बिकॉज इतना पंजाब को बदनाम कर दिया था, आर्मी की रिक्रूटमेंट उसी अभी चल रही थी, आर्मी ने भी कोई हिंदुस्तान में जहां भी रिक्रूटमेंट चलती है आर्मी की, कहीं भी वो ड्रग टेस्ट नहीं करते, हमारे पंजाब में पहली बार उन्होंने भी ड्रग टेस्ट किया, जो 12,000 लोग अप्लाई किए आर्मी के लिए, उन 12,000 के 12,000 लोगों का आर्मी ने ड्रग टेस्ट किया, और 12,000 से 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। सो ये तो एक प्रोपेगेंडा था। अब मैंने उसके बाद ये जब सैंपल सारा आया, मैंने सब मीडिया को टेलीफोन किया, मैं क्या अब तो दिखा दो, कोई दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके बाद टीआरपी तो बनेगी नहीं, और ये पॉजिटिव कोई पॉजिटिव था कि आपने दिखाया, मीडिया ने दिखाया, नहीं मीडिया नहीं, मीडिया ने आप दिखाएं, आपका चैनल देख लें, कैटेगरी से बाहर कर दीजिएगा, हम दिखाते हैं, ऐसे करते हैं, आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लें कि आपके चैनल ने कब दिखाया। अच्छा, लेकिन एक बात, एक और भी बात, मैंने नेशनल चैनल, मैंने अर्णव गोस्वामी को भी, जो टाइम्स नाउ है, हर रोज कहते थे कि इंडिया नीड्स टू वॉच, पीपल ऑफ इंडिया वॉन्ट टू नो, मैं कहा जी अब तो इंडिया को ये भी बता दो ना कि ट्रैक्टर टेस्ट हुआ है, किसी कोई आदमी नहीं भेजा उन्होंने। अच्छा, क्योंकि नेगेटिव चीज को लोग पसंद करते हैं, जो चीज पॉजिटिव हो दिखाना चाहते नहीं।
अच्छा, आपने कहा कि मीडिया ने पॉजिटिव चीज नहीं दिखाई, फिर आपने मीडिया को ये भी कहा कि मीडिया ने ये सब चीजें दिखाई जो केजरीवाल जी ने बयान दिए, राहुल गांधी ने 70% पंजाब को नशे में बताया। अब सवाल ये है कि ये आंकड़े उनके पास मीडिया में रिपोर्ट देखकर तो आए नहीं होंगे, हमने तो सिर्फ राहुल गांधी का बयान दिखाया, केजरीवाल का बयान दिखाया, उनके पास ये आंकड़े कहां से आ गए कि पंजाब में 70% लोग नशा करते हैं? केजरीवाल जी क्यों कह रहे जी मैं आ गया तो पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा? वही बोल रहा हूं ना, राहुल गांधी ने 70% बोला है, केजरीवाल ने 70% बोला है, आपने 70% बोला है, तो वही बात है, आंकड़े किसी के पास नहीं है। नहीं, आपकी बात नहीं, मीडिया की बात करते हैं। 70% एक ही लफ्ज चल रहा है, इसका मतलब अगर वो कांग्रेस बोलती है, राहुल गांधी बोलता 70%, इसका मतलब 70% यूथ कांग्रेस भी ड्रग लेती होगी, 70% आप पार्टी का यूथ विंग है वो भी ड्रग लेता होगा, है वो, इसका मतलब वो तो कह नहीं सकते कि हमारे यूथ कांग्रेस के लोग 70% वो लेते नहीं है और ये दूसरे लोग लेते हैं, क्या पता 30% में वही आते हो सर, वो 30% में सारे आते हैं। एक बार नोटबंदी पर फिर आऊंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंजाब जो है वो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, इतना अन्न वहां पर होता है, किसान, नोटबंदी से क्या आप नहीं मानते किसानों को समस्या है? और दूसरा SYL, ये एक बहुत बड़ा किसानों के लिए संकट खड़ा हो गया है, आपको नहीं लगता आने वाले चुनाव में ये एक बहुत अहम मुद्दा होने वाला है? सी, नोटबंदी का असर अगर मैं बोलूं कि बिल्कुल नहीं है ये गलत होगा, असर है, लोगों को तकलीफ है, पर लोगों को उम्मीद है कि तकलीफ जल्दी हल हो जाएगी। अगर ये तकलीफ 2 महीने 4 महीने चली फिर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, ये तकलीफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ कैश नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितनी जल्दी अवेलेबल कैश कर दे, हमें लिमिट है 25,000 हम विड्रॉ कर सकते हैं, पर बैंक में है ही 8,000, तो 25,000 की लिमिट का कोई फायदा नहीं है। सो मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया था, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया था कि ये जो आपकी लिमिट है, ये लिमिट जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश ये बढ़ाएं, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन ये नाराजगी तो सरकार के खिलाफ हो जाएगी, पंजाब में एक तो आप पर नाराजगी होता है, पंजाब में एक एडवांटेज हमें ये है कि पंजाब में एक और पैरेलल सिस्टम चलता है, वो है आड़तिया का सिस्टम। हमारे जो पंजाब के किसान हैं, हर गांव के किसान एक साथ की मंडी के एक आड़ती के साथ लिंकअप होते हैं, जो उनको कोई सीड चाहिए वो आड़ती के पास जाते हैं, वो उसको दलाल देता है, जो उसको अगर उसकी सीड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, दवाई चाहिए, कुछ भी चाहिए, आड़ती के पास जाते हैं, वो आड़ती कर देता है, ये अनऑफिशियल क्रेडिट कार्ड समझो। ये सिस्टम पंजाब में है, इसीलिए इसका इमीडिएट इम्पैक्ट कैश का नहीं है। वो अभी हमारे पास 97% जो वीट क्रॉप जो लगनी थी वो लग भी गई है जी, हमें कोई फार्मर की कोई क्राइसिस नहीं आई है, इसीलिए नहीं आई है। ठीक है, मेरे पास एक सवाल आया है फिरोज बख्त अहमद साहब का, पूछ रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी से आपको कितना नुकसान होगा और इससे आप कैसे निपटेंगे? ये जो लफ्ज एंटी इनकम्बेंसी है ना, ये हर बार हर 5 साल बाद अगर सरकार परफेक्ट भी हो ना, ये लफ्ज एंटी इनकम्बेंसी का पहले जरूर आएगा। सी, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है उनको डर है जिन्होंने काम नहीं किया हो या परफॉर्मेंस ना की हो। हमारा एजेंडा ही परफॉर्मेंस है। मैंने पिछले इलेक्शन में मैंने एक बात बोली थी पूरी जनता को, आप इलेक्शन पोलिंग डे से एक रात पहले कागज पेंसिल ले लें, हमारी काली दल बीजेपी सरकार ने क्या की काम किया और आपको याद है वो लिख लें, कांग्रेस ने क्या काम किया वो लिख लें, जिसके साइड में काम ज्यादा लिखते हैं लिखे जाते हैं उसको वोट दे दें, परफॉर्मेंस पे वोट दें। अब क्यों रिपीट हो रही है सरकार, जो चीफ मिनिस्टर जो सरकार परफॉर्म करती है वो रिपीट कर रही है, और अब गवर्नमेंट्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का, लीडर्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स परफॉर्मेंस हो गया। पहले क्या था, वो सोचते 5 साल हमें, 5 साल हो, 5 साल है, सो ये अब मूड चेंज हो गया। हमने परफॉर्मेंस बेस पे हमने पिछली इलेक्शन लिया और इस बार भी परफॉर्मेंस, हमारा स्टेट क्या था 9 साल पहले आज क्या है, वी आर पावर सरप्लस स्टेट थे हम, पावर डेफिसिट, 6-6, 7-7 घंटे के कट लगते थे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री, हमने वादा किया कि हम पावर सरप्लस करेंगे, वी आर टुडे पावर सरप्लस स्टेट, कल पावर सरप्लस नहीं है, हम चीपेस्ट पावर इन द कंट्री पंजाब में हम दे रहे हैं, इंडस्ट्री को 4.99 रुपीज पर यूनिट पावर दे रहे हैं, जो दिल्ली में 12 रुपये पर यूनिट है
और हरियाणा में मुझे लगता है 11 या 12 मुलगुर भी हैं। सो एक हमने वो किया। दूसरी बात, हमने रोड कनेक्टिविटी जो हमने पंजाब में की है, आप कोई 6 या 7 महीने बाद आप पंजाब में कहीं भी जाएं, कहीं भी, मैं बोलता हूं कहीं भी, एक टाउन से दूसरे टाउन कहीं भी पंजाब में जाएं, आप 6 या 4 लेन एक्सप्रेसवे में जाएंगे, सिंगल सड़क में नहीं जाएंगे। ये फर्क है। तकरीबन 30-32 हजार करोड़ रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने लगाया है। तीसरी बात, छोटा सा स्टेट है, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट। अब हरियाणा में हमारे पास हरियाणा साथ में एक और एयरपोर्ट नहीं है। सो वी हैव क्रिएटेड द बेस्ट एयर कनेक्टिविटी। आप आधे घंटे घंटे की ड्राइविंग में एक एयरपोर्ट मिल जाता है जी। किस हिंदुस्तान की स्टेट में बताएं कि जो 1 घंटे की ड्राइविंग में आपको एयरपोर्ट मिलेगा। और हमारे 160 टाउन्स हैं पंजाब में, छोटे और बड़े। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, 5-10-30% 40% में सीवरेज होगा, बाकी में सीवरेज भी नहीं होगा, वाटर सप्लाई भी नहीं होगा। हमने प्रोजेक्ट लिया 5 साल पहले शुरू किया, आज 160 में से 100 टाउन्स 100% सीवरेज वाटर सप्लाई एंड लाइटिंग इज कंप्लीट। अनदर 30 टाउन्स जो हैं अगले दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे 30, एंड बैलेंस 30 बाय 31 मार्च। सो कोई स्टेट नहीं हिंदुस्तान में जहां छोटे से नोटिफाई एरिया कमेटी से लेके बड़ा टाउन वेयर 100% कवरेज इज देयर। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, हम जो भी चीज लेते हैं हम एज अ होल लेते हैं, ऐसे नहीं है कि एक गली में सीवर डाल दो। अगर हमने टाउन लिया तो पूरा टाउन लिया। सो ये जो परफॉर्मेंस चीजें हैं, यही चीजें जनता ने देखी हैं। इसीलिए आपने देखा ये जो माहौल है पंजाब का, पिछली बार भी सर्वेज ने कुछ कहा था, कुछ ने कहा था, और हमने केजरीवाल कह रहे हैं 94 सीटें उनकी आने वाली हैं। केजरीवाल का हाल तो उन्होंने भी देखा होगा कितना विकास आपने किया है। वो जो 4 है ना उसको निकाल दो, 9 सीट आज की तारीख में 9 है, और जितना इलेक्शन के पास जाएगा 9 से 0 तक जाएगी उनकी। आप ऐसे बताएं, आप दिल्ली में रहने वाले हो, 60 कितने सीट आएंगी पिछली बार? किसकी पूछ रहे हैं? केजरीवाल जी की 67। आज वोट पड़े तो कितनी आएंगे? ये मैं दावा नहीं कर सकता। 67। ये मैं दिल्ली में रहता नहीं हूं सर। 607। मैं दिल्ली में रहता नहीं हूं सर, मैं नोएडा में रहता। ये जो क्लैप्स हो रहे हैं, ये सब लोग 2.5 साल पहले केजरीवाल को क्लैप करते थे और ये सब अब एंटी केजरीवाल है। क्योंकि ये बिगेस्ट फ्रॉड जो इंडिया में है ना, सबसे बिगेस्ट फ्रॉड इंडिया में केजरीवाल है। पंजाब के लोगों को समझा पाए आप ये बात? इसीलिए बोल रहा हूं कि आप वो देखते हो पार्लियामेंट की बात, पंजाबी बाय नेचर नई चीज आएगा ना इमीडिएटली अडॉप्ट कर लेता है। भगवंत मान तो कह रहे हैं कि वही आपको हरा देंगे। वही बात बताता हूं, केजरीवाल पहले आया, नई चीज थी। जैसे पंजाब में आप नई गाड़ी लॉन्च करें ना, सबसे ज्यादा सेल पंजाब में होगी। नया मोबाइल ले ना, पुराना मोबाइल पंजाबी के पास हो, अच्छा हो, उसको डिस्कार्ड करेगा, नया मोबाइल ले लेगा, पर उसको यूज करेगा एक दिन, अगर नहीं पसंद आए उसको भी डिस्कार्ड कर देगा। जो 4 या 2.5 साल पहले जो केजरीवाल आया था, एक नई चीज थी और उसने देख लिया, अब इसलिए डिस्कार्ड कर दिया। आप हैरान रहोगे, पार्लियामेंट में जहां 4 सीटें जीते, उसके बाद असेंबली के बाई इलेक्शन आए जी, यही आम आदमी पार्टी वो इलेक्शन बाई इलेक्शन लड़ी, उनकी जमानत जब्त होगी जहां उन्होंने सीटें जीती थी। सो यही हालात हो गए। तो मतलब भगवंत मान से आपको डर नहीं लग रहा? भगवान मान से डर तो ता लगे अगर वो पहुंचे, उसको मालूम ही नहीं है देना है कि रात है उसको दिन को भी रात लगती है, रात को भी दिन लगता है। चलिए, मैंने मान लिया कि आपके विकास कार्यों पर खुश होकर के 2017 में भी आपकी सरकार बना दी पंजाब की जनता ने, तो एक गिरीश आनंद साहब सवाल पूछना चाहते हैं कि सीएम कैंडिडेट बड़े बादल साहब होंगे या छोटे बादल साहब होंगे? बड़े बादल साहब। सी, पंजाब में साहब प्रकाश सिंह बादल एक ऐसे इंसान है जिनको गरीब किसान मजदूर सबकी समस्या मालूम है, और जो जैसे मैं रीफ्रेज इट,
जैसे कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होती है ना, बेस्ट यूनिवर्सिटी, आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब. ही द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज इन डीलिंग विद सिचुएशंस, उनके नीचे तो काम करने का जो एक्सपीरियंस है जो हमें मिला है, मुझे मिला है और हमारी टीम को मिला है, ऐसा एक्सपीरियंस कोई दे ही नहीं सकता. और जितनी देर हमें मिलता रहे एक्सपीरियंस उतना ही हमें बेटर है. लेकिन सिद्धू साहब तो आपसे नाराज होकर ही चले गए दूसरी पार्टी में, बीजेपी छोड़ दी उन्होंने. कौन सी पार्टी में गए? जहां भी वो फैसला करें कांग्रेस पार्टी, किसी पार्टी में नहीं है. मतलब बीजेपी में तो कम से कम नहीं रहे. और उनकी शिकायत की वजह ही नहीं, ऐसा है कि अगर आप मार्केट में एक सब्जी रख लें, रेडी में आपने देखी ना सब्जी जब फ्रेश होगी उसका रेट कितना होता है, हफ्ते बाद जब गलने लग जाएगी उसको कोई पूछता नहीं है. तीन महीने पहले आपने उसको इतना मीडिया ने उठाया, उसको सबकी डिमांड थी कि सिद्धू साहब सिद्धू साहब सिद्धू साहब. तीन महीने के बाद सिद्धू भाग रहा पार्टी के पास, मुझे ले लो मुझे ले लो मुझे ले लो, कोई ले नहीं रहा. आप बताएं, मुझे कांग्रेस के लीडर मिले थे, वो बोल रहे थे कि हमें, हम तो चलो साथ में रखे कि एक कॉमेडियन हमें आ जाएगा, पर वो तो आए नहीं, उसकी बीबी आ गई मेरे पास. क्योंकि अब उनका स्टॉक इतना गिर गया है, कोई चीज जो इंसान अपने आप को बार्गेन करने लग जाए, अपने आप को सेल पे डाल दे, इसका मतलब उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है. एक दिन बोलेगा कांग्रेस बढ़िया है, अगले दिन बोलेगा आप बढ़िया है, अगर हम ऑफर अच्छा दे देते शायद बोलता अकाली दल बढ़िया है. सो आइडियोलॉजी तो नहीं है ना. आइडियोलॉजी तो उन्होंने कहा पंजाब की सेवा थी उनकी. खैर उनकी बात छोड़ते हैं. यहां पर कर्नल रघुवीर सिंह है रिटायर्ड, उनका एक बहुत तीखा सा सवाल आया, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा. वो पूछना चाहते हैं कि आपने SYL कनाल क्यों रोक दी, हरियाणा को आप पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि पंजाब से जो पाकिस्तान में नदियां जाती हैं उनका पानी आपने नहीं रोका है. हरियाणा को पानी नहीं, पाकिस्तान को पानी क्यों? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी. एक इंटरनेशनल लॉ है, नेशनल लॉ भी है इंटरनेशनल, कि जिस टेरिटरी से पानी जाता है ये पानी उस टेरिटरी का है. क्या जमुना का पानी जब हरियाणा से जाता है, जमुना हरियाणा से जाती है जी, हमें एक बूंद दिया उन्होंने, एक बूंद भी देते हमें, बात नहीं करते. राजस्थान जो नेचुरल रिसोर्स किसी स्टेट की है, राजस्थान में पेट्रोल निकल रहा है, रॉयल्टी वो आप रखती है, हमें कुछ नहीं देते. पत्थर निकलता है वो सारा वो रखते हैं, असम में पेट्रोल है, बिहार में कोल है, ये एक ही हमारी चीज है. और दूसरी बात, पंजाब के किसान जो देश को अन्न देते हैं उनके पास पानी नहीं है अपने लिए, तो हम दूसरों को क्या करें? हम आज मैं एक और बात बताना चाहता हूं, पूरे देश में पिछले 3 साल ड्राउट रहा है, पंजाब में रेनफॉल 50% लेस है पिछले 3 सालों में, पर हमने प्रोडक्शन 20% इंक्रीज किया हर साल. क्यों? क्योंकि हमारे किसान अपनी फसल को बच्चे जैसे पालता है, हमने उनको ट्यूबवेल कनेक्शन दिए हैं. हमारे पास पानी नहीं है, रिवर वाटर नहीं है जो चाहिए, हमारा रिवर वाटर हमारे से खो लिया है, हमने अल्टरनेटिव ट्यूबवेल दे दिया, उनको फ्री पावर दे दी है, क्योंकि हमने तो उनको बचाना है. पर फिर भी ये जो पानी हमारे से खोआ गया वो इंदिरा गांधी ने हमसे लिया था. एक बात बताएं, मैं आपको एग्जाम्पल छोटा और दे देता हूं. जब देश इकट्ठा था, पंजाब और पाकिस्तान पंजाब, 45 MF पानी था पूरे पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में. जब पाकिस्तान बना 50% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया, ये जो 3 रिवर्स हैं उनको सारा पानी दे दिया. हमारे पास तकरीबन 20-22 MF रह गए. फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने एक रात जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर को बनाया और उसका 50% जो हमारे जॉइंट पंजाब का था, जब हरियाणा हिमाचल एक ही थे पंजाब, 50% पानी राजस्थान को दे दिया विदाउट कंसल्टिंग और आस्किंग पंजाब जी. 50% राजस्थान के पास कोई राइट ही नहीं था उस पानी का, ये अब राजस्थान कनाल ये जाता है. उसके बाद क्या हुआ, पंजाब डिवाइड हुआ, पंजाब का उसके 22% बचा, 50% 11 राजस्थान को दे दिया, और उसका जो 50% जब पंजाब द्वारा हुआ हरियाणा के साथ,
50% हरियाणा को दे दिया, हमारे पास तो चार, जहां 54% था एमएफ वो 45 था, हमारे पास 5 रह गया। और दूसरी बात है, अब ग्लेशियर्स में पानी कम हो गया, दो कैचमेंट एरिया में पानी नहीं है, हमारे पास तो पानी नहीं है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग पानी नहीं है जी। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। नाभा जेल ब्रेक हुआ, इससे पहले गुरदासपुर अटैक हुआ, सरकार पर सवाल उठे, सरकार की आलोचना भी हुई, और खासकर मिंटू जो पकड़ा गया आतंकी, उसने साफ तौर पर कहा कि वो जेल के अंदर रहकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार पर जो घेरेबंदी होती है, इलेक्शन से पहले अगर इस तरीके के सवाल उठते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हमने इसका सख्त नोटिस लिया है। जो डीजीपी प्रिजंस हमारे उसको हमने सस्पेंड किया है जी, जो जेल सुपरिटेंडेंट और जो उनके साथी थे उनको हमने नौकरी से डिसमिस कर दिया है। ये एक कॉन्स्पिरेसी थी जो हमने अनर्थ की है, और वी हैव टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन एंड इमीडिएटली हम वी आर एबल टू नैब दोज टू मेन पीपल, हमने पकड़ लिए हैं। बाकी कोई 4-5 जो कॉन्स्पिरेटर थे उनको भी हमने पकड़ लिया है, और हमने इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट वी आर नाउ वी हैव कन्वेड अ मैसेज दैट इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स द पीपल कंसर्न्ड, हम सस्पेंशन की बात करते नहीं है, नौकरी से डिसमिस करते हैं जी। पंजाब में अहम मुकाबला आप किससे मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी से है या कांग्रेस से है? आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं पंजाब में, ये आप सोचोगे अभी भी ये पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, मेरी बात आज नोट कर लें, हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है, और आम आदमी पार्टी की 10 सीटें से कम आएंगी, मैं आज लिख के दे सकता हूं। पिछली बार भी जब मैं नोटबंदी से पहले भी था आपका, नोटबंदी हो या ना हो, आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी पार्टी बारे पंजाब के लोग जान गए हैं, आम आदमी केजरीवाल को पंजाब का कल्चर नहीं मालूम, पंजाब की जरूरतें नहीं मालूम। केजरीवाल पंजाब में आता बोलता है एसवाईएल कनाल नहीं बनना चाहिए, बॉर्डर क्रॉस करता माला पहुंचता है बोलता कि ये पानी हमें दिल्ली में चाहिए। अब पिछले 10 दिन से प्रेस उसके मगर मगर है, किसी को नहीं मिलता, क्योंकि वो सवाल पूछेंगे उसके के आपका आपात एसवाईएल के बारे में क्या बोलोगे तो उसको जवाब नहीं मालूम। वो बोलता है कि हिज कैरेक्टर, व्हाट वाज हिज कैरेक्टर, बोल रहा था कि हम जो कैंडिडेट देंगे ईमानदार कैंडिडेट देंगे, जो 50 कैंडिडेट इन्होंने डिक्लेयर किए हैं 36 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस 36 के खिलाफ। अभी इनका एक कैंडिडेट अभी बोहा से परसों उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऑफिशियल कैंडिडेट है, उसने कैंडिडेट से अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अपनी कैंडिडेट रिजेक्ट कर अपने डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि संजय सिंह ने मेरे से 1 करोड़ और मांगा है, मैं गरीब के पास कहां पैसा है। सो ये तो हालात है, आप दिल्ली में देखो उनकी क्या हालात। तो कह रहे हैं आपने पंजाब के एग्रीकल्चर को चौपट कर दिया। केजरीवाल को एग्रीकल्चर बारे मालूम है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है सर। मैं ऐसे करता हूं, मैं पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे दूंगा, आप केजरीवाल को कहीं गांव में ले जाएं, बता दें, वो बताएं कि ये गेहूं का समय है कि झोने का सीजन है। जिसने जिंदगी में फार्म में नहीं गया, जिसको मालूम ही नहीं फार्म क्या है, वो ऐसी सी ये है टिपिकल ड्राइंग रूम टॉक्स, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। लेकिन सर वो कहते हैं कि लोगों के पास विकल्प नहीं था, दिल्ली में नहीं था, इसलिए कभी कांग्रेस करते थे कभी बीजेपी करते थे, यही पंजाब में चल रहा था कांग्रेस बीजेपी, अब लोगों को एक मजबूत विकल्प मिला है तो लोग उस तरफ देखेंगे। बताऊं क्या, आप चेक करें दिल्ली में भी जो उसने बोला था क्या उसने पूरा किया, वो तो दावा मैंने अभी आरटीआई से, हमारे एक लोग हैं उन्हें आरटीआई से मालूम किया, उन्होंने बोला था हम 1 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, आरटीआई की रिपोर्ट है जो पिछले 15 दिन पहले आई थी 7 लगे हैं। उन्होंने बोला था कि मैं मोहल्ला क्लिनिक पुतनी कितने 400 या 500 बनाऊंगा, 2 बनाए हैं आरटीआई का ऑफिशियल। आप उसने कितने कॉलेजेस बनाने थे, 1 भी नहीं बना। सो कहने को कुछ मर्जी बोल दो, अगर पंजाब में जाके बोल रहे हैं कि मैं 20 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, 20 लाख पूरे पंजाब में 5 लाख इंप्लॉई है, वो सरकारी नौकरी कैसे देगा वासु? ना बोलने को तो कुछ मर्जी बोले, बोल रहा है कि मैं, अच्छा आप
आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, उसकी पंजाब में स्टेटमेंट है कोई 10 दिन पहले की स्टेटमेंट कि मुझे पंजाब के कोई समस्या हो मैं मोदी की जी के पास जाऊंगा, उसके उनके नीचे घोड़े टेक कर मैं मिन्नतां करके भी मैं लेके आऊंगा पंजाब के लिए। उसको बोला दिल्ली के लिए तो करता नहीं, रोज गाले निकालते हैं। बोल रहा है कि मुझे पंजाब का सीएम बना दो, मैं पंजाब के लिए ये सारा कुछ करूंगा। और दिल्ली जिसका जो सीएम है उसके उसकी कोई समस्या आती तो उसको बात नहीं करता। चलिए, मुझे लगता है आपके माध्यम से अपोजिशन तक काफी मजबूती से मैसेज पहुंच चुका है और आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आए सुखबीर सिंह बादल जी, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर एबीपी न्यूज नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे जी को, वो आकर एक छोटी सी भेंट सुखबीर सिंह बादल जी को दें।